अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू बी आर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करेंगे वो ज़मीन की तैयारी के हवाले से करेंगे। हम लोगों ने पहले खीरे के लिए ज़मीन तैयार की थी, बट कुछ चीज़ें थी जिनको हम इग्नोर कर गए थे और जिनकी जो ज़रूरत है वो हमें बाद में पेश आई। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिनको हमने इग्नोर कर दिया था और जो बहुत ज़रूरी थी। पहली चीज़, लेज़र लेवलिंग। अगर आप फ्लड कर रहे हैं या अगर आप खीरा लगा भी रहे हैं या कोई भी लगा रहे हैं, ये फसल अभी हमने गार्लिक की लगाई है जिसके लिए हमने ज़मीन को लेवल कराया। ज़मीन लेवलिंग इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आपकी ज़मीन बिल्कुल सीधी हो जाती है, दूसरा सबसे बड़ा इशू आता है जब आपने पानी लगाना होता है। जब आप पानी लगाते हैं, अगर आपकी ज़मीन की लेज़र लेवलिंग नहीं हुई तो आपका पानी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा और वो उसको रिज्जा नहीं मिलेगा जो वतर उसको चाहिए, और जिसकी वजह से आपकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी और आप मुश्किल चीज़ें देखने को आएंगी जब आप उसको पानी लगा रहे होंगे या अपनी फसल को मैनेज करेंगे। सो अपनी ज़मीन को सबसे पहले लेज़र लेवलिंग कराएं। एक दफ़ा करानी पड़ती है, दो दफ़ा करानी पड़ती है, आप उसकी लेज़र लेवलिंग कराएं। उसके बाद दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर तो बहुत ज़्यादा आपका घास घूस है या आपकी ज़मीन बहुत अरसे से तैयार नहीं हुई तो एक दफ़ा उसमें डिस्के मरवा लें, हमारी ज़ुबान में उसको तवे कहते हैं, तवे मरवा लें। उससे ज़मीन काफ़ी डीपली जो है उसका वो हल चल जाता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा 2 से 3 दफ़ा हल ज़रूर मरवाएं। अपनी ज़मीन को लेज़र करने के बाद 2 या 3 दफ़ा हल ज़रूर मरवाएं। और अगर आप कोई फसल लगाना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने गार्लिक लगाया या हमने खीरा लगाया, हमने DAP वगैरह डालने के बजाय उसमें साल एक पुरानी रूढ़ी या आपके पास अगर गोबर का वेस्ट मिल जाता है तो उससे बेहतर खाद कोई नहीं है। ज़मीन की तैयारी में उसको ज़रूर डलवाएं और उसके बाद उसको उसमें हल मरवाएं। हल मरवाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा रेतली नहीं है और आपकी बहुत ज़्यादा ज़मीन मैरा नहीं है और चिकनी है या उसमें बड़े बड़े रोड़े आपको नजर आ रहे हैं, तो रूटावेटर ज़रूर मरवाएं। हम लोगों ने खीरे के लिए ना लेज़र लेवलिंग करवाई थी ना रूटावेटर मरवाया था, जिसके दोनों के नुकसान हमें देखने को मिले, बिकॉज हमारे बेड उस तरह से नहीं बन सके जिस तरह से हम चाह रहे थे, और उसकी वजह से हमने काफ़ी जर्मिनेशन में नुकसान उठाया। हमें दोबारा खीरे का बीज लगाना पड़ा और दोबारा उसको हाथ से सेट करवाना पड़ा लेबर से, और फिर जाके उसकी जर्मिनेशन हुई। गार्लिक के लिए हमने रूटावेटर भी मरवाया, जिससे हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी और हमें बेड्स निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। सो रूटावेटर मरवाने के बाद आप इसकी खेले निकलवाएं या इसके बेड्स निकलवाएं और पानी के लिए रास्ता बनवाएं, तो आपके लिए ज़रूरी है। सो जो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेरे ख्याल में, डिस्के मरवानी बहुत ज़रूरी हैं, एक दफ़ा ज़मीन को लेज़र करवा लें, वो लेवलिंग आपकी हमेशा चलेगी, वो आपको बार बार 6-7 महीने तक दोबारा लेज़र लेवल नहीं करानी पड़ेगी। हल ज़रूर चलवाएं, 2 से 3 दफ़ा चलवाएं, और इसमें आप रूटावेटर ज़रूर मरवाएं। बहुत से लोग ये चीज़ सोच के रूटावेटर नहीं मरवाते कि शायद जो ज़मीन है वो हमारी बहुत सॉफ्ट है ऑलरेडी, या हमें रूटावेटर की ज़रूरत नहीं है, या उसके खर्चे को लॉन्ग टर्म में नहीं देखते और शॉर्ट टर्म में देखिए आप अपना रूटावेटर नहीं करवाते, जो हम लोगों ने भी किया। सो रूटावेटर ज़रूर मरवाएं, ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें, बिकॉज ज़मीन की तैयारी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी फसल के उगने के लिए। सो ये चंद चीज़ें थी जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, अपनी फसल को लगाने के बाद सीखी। आई थॉट कि मैं आपसे भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। कोई और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर दें या हमें ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, एंड हम आपके जितना भी उसको रिस्पॉन्ड कर सकें हम ट्राई करेंगे, टाइम भी उसको रिस्पॉन्ड कर दें। थैंक यू।